न्यूज परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद रवि किशन शुक्ल समस्त गोरखपुर मंडल को और मेरे फैंस को पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर न्यूज के द्वारा दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को धनतेरस की, दीपावली और छठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा देश, हमारा प्रदेश दुनिया के विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा होने जा रहा है, माँ लक्ष्मी सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वैभव और धन प्रदान करेंगी और सब सुखी और खुशी पूर्वक जीवन अपना व्यतीत करेंगे। यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। सभी को सादर प्रणाम और गोरखपुर न्यूज़ के दर्शकों को इन आने वाले त्योहारों की जो श्रृंखला है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और बस एक प्रार्थना जरूर रहेगी कि दीपावली का त्यौहार जो है आपस में हंसी खुशी मनाएं और घातक पटाखों से और जो शोर शराबे वाले पटाखे हैं जिनसे लोगों को नुकसान होने की संभावना है उसमें थोड़ा एहतियात बरतें। ऐसी एक हमारी कामना रहेगी, हमारा एक संदेश रहेगा और आप सभी से प्रार्थना रहेगी। आप सबको ये आने वाला त्यौहार जो है धनतेरस, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, धन्यवाद। गोरखपुर ये चैनल कार्यक्रम कर रहा है दीपावली के अवसर पर, ये शुभकामना हम लोगों की है। ये चैनल भविष्य में भी सफलपूर्वक कार्यक्रम करता रहे, ये हमारी शुभकामना है। SDM सदर कुमार सौरव और CO कोतवाली अनुराग सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को राजघाट थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मामले के निस्तारण के लिए किया गया निर्देशित। महानगर में दीपावली के अवसर पर विभिन्न पंडालों में माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की प्रतिमा को किया गया स्थापित, बनी हुई है आकर्षण का केंद्र, लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद द्वारा जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन के लिए भीड़ भाड़ एवं जाम लगने वाले स्थानों पर यातायात पुलिस टीम के साथ किया गया पैदल गश्त, जनता को यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करने के लिए किया गया प्रोत्साहित। जनपद में शनिवार को शाहपुर में थाना अध्यक्ष शशिभूषण राय की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित, निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में 1 नवंबर से 19 नवंबर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया जा रहा है अभियान। शौचालय प्राप्त नहीं करने वाले परिवारों को किया जा रहा है चिन्हित, दिया जाएगा लाभ। धनतेरस, दीपावली और भैया दूज त्योहार को लेकर बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते आए नजर। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस फोर्स, अधिकारियों ने भी पैदल गश्त कर सुरक्षा का दिलाया भरोसा। जनपद में दिवाली के अवसर पर टाउन हॉल ग्राउंड पर लगाई गई पटाखा की दुकानें, लोगों ने जमकर की खरीदारी।